वैभव पुत्रो, असी जंग दी तैयारी कर रहे हैं, किसी गिल्ली डंडे दे खेल दी नहीं। तुम दोनों जंग के लिए तैयार नहीं हो। और वही तो हम चाहते हैं फूफा जी, तैयारी। असी भी खालसा शस्त्र विद्यालय में भर्ती होना चाहते हैं। हम भी आप सब की तरह युद्ध कला में माहिर भी होना चाहते हैं। सोच लो पुत्रों, ये युद्ध कला एक छलावे की तरह है। शुरू में लुभाती है, बाद में तकलीफ भी देती है। कोई गल नहीं जी, दर्द से यारी डालकर ही तो असी खालसा बनते हैं। रंजीत सही कह रहा है। रंजीत और गुलाब, इन दोनों को भी एक मौका मिलना चाहिए। इन दोनों का भी प्रशिक्षण होना चाहिए। हाँ, तुम दोनों एक बात याद रखना, खालसा शस्त्र विद्यालय की भर्ती प्रक्रिया में ना ही कोई भी बदलाव किया जाएगा और ना ही कोई भी भेदभाव। तुम दोनों राजघराने से हो, इस बात का कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा। इम्तिहान कड़ा होगा और प्रशिक्षण भी। ना ही कोई भी सुविधा मिलेगी और ना ही कोई भी मदद। मदद दी मांग भी नहीं है पिताजी। लोहा आकार तभी लेता है जब उसे जलाया जाए, गलाया जाए। असी युद्ध कला सीखने जा रहे हैं पिताजी, और इस फैसले दे सारे पक्ष विपक्ष असी सोच चुके हैं। पर सानू किसी भी तरह का लिहाज नहीं चाहिए। तो फिर गुलाब और रंजीत को खालसा शस्त्र विद्यालय भेजने की तैयारी की जाए। धन्यवाद पिताजी। धन्यवाद मामा जी। इसे कहते हैं भावी सरदार, जो काले बादलों का रुख देखकर ही तूफान की तैयारी कर ले, जो अपनी गलती खुद कबूल कर ले। और वो भी तब जब रंजीत की कोई गलती नहीं थी। नहीं गुरबख्श सिंह, काली एक हाथ से नहीं दो हाथों से बचती है। रंजीत ने गलती की, पर अच्छी बात यह है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। हमें हमारे राज्य को, हमारे पंजाब को ऐसे ही सोच और जज्बे की जरूरत है। मेहताब कौर, मेहताब कौर, बीबी, मेहताब कौर को देखा? नहीं सरकार। नहीं मेहताब कौर, मेहताब कौर किथे चले गई? हरि सिंह जी, मेहताब कौर किथे है? खबर नहीं है सरकार। अच्छा, तेरी कहाँ रह गया ये मुंडा? अभी तक आया क्यों नहीं? उसे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। मेहताब, मेहताब, मुझे पता है तू यहाँ पर ही है। मुझे पता है, जब भी तू मुझसे नाराज होती है तो इनके नस्त्र में आके छुप जाती है। और तू वड्डी हो रही है मेहताब, पर कनस्तर तो उतने का उतना ही है ना। वो किसी दिन फंस गई तो मुसीबत हो जानी है। चल ये बता, मैंने क्या गलती की है? बोल मेहताब, दस क्या गलती की थी मैंने? मेरे पास तेरे लिए बड़ी अच्छी खबर है।
पिताजी युद्धकला के लिए एक विद्यालय स्थापना करने जा रहे हैं, खालसा शस्त्र विद्यालय, और मैं भी इसमें भर्ती होने जा रहा हूँ। अफगान दुश्मनों से जंग के लिए तैयार होने जा रहा हूँ, देश की रक्षा करने जा रहा हूँ मैं। अच्छा तो तू मतलब बाहर नहीं आएगी? कोई गल नहीं, मैं भी दूसरे कनस्तर में घुस जाता हूँ। देख ले, मैं तब आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बाहर आ जा। ठीक है, जैसे को तैसा। रंजीत, रंजीत, तो ये भी घुस गया किसी कनस्तर में। रंजीत, अब बता, ऐसी कौन सी गलती कर दी थी मैंने जिसे तुम मुझसे नाराज होगी? वड्डी वड्डी गल्ला और कारज ये छोटे छोटे। मतलब ये कि मैं तेरे लिए इतना कुछ करती हूँ और तू अपने किए हुए वादे भी भूल जाता है। कौन सा वादा मेहताब? ओहो, बुद्ध जाना हो बेटा। तूने मुझसे वादा किया था ना कि मेरे झूले को सजाने के लिए तू मेरे लिए फूल लाएगा, सही के गलत? सही। वड्डियां वड्डियां गल्ला ते काम छोटे। मेहताब रुक तो, ओ मेहताब गल तो सुन। ओ मेहताब, गलती होगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। दोहा अच्छा है, मतलब पता है ना? हाँ, पर खजूर के पेड़ का क्या फायदा, ना उसके फल तोड़ सकते हैं ना वो छाया देता है। पर तू तो मेरे लिए खजूर का पेड़ ही बन रहा है ना रंजीत, किसे काम जाए। तो ठीक है मेहताब, पहाड़ी गुफा के जामनी फूल पसंद है ना तुझे? ना रंजीत, 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 हाय रब्बा, पहाड़ी गुफा तक जाना तो खतरे से खाली नहीं है। शबाश पुत्र, शबाश, जिंदा रहे, दिल खुश कर देता। वो जीत जीत होती है और जीत में हर तरीका जायज है। जी आप ना बुरा ना मनना, पर ये जो सीख है ना, ये सीख अच्छी नहीं है। अच्छे बुरे का फैसला कौन करेगा रूप कौरे? कौन करेगा जी? आप। शाबाश, चल अब अपने पुत्र नू शाबाशी दे। शाबाश गुलाब पुत्र, शाबाश। तुहानू अभी भी लगता है कि मेरी भर्ती नहीं होगी? ओ पुत्र, तेरी भर्ती मेरी तकलीफ नहीं है, इम्तिहान में रणजीत से होने वाला मुकाबला, ये मेरी तकलीफ है। खालसा शस्त्र विद्यालय की भर्ती के इम्तिहान में तेरा असली प्रतिद्वंदी होगा रणजीत सिंह। और याद रखे पुत्र, तेरे और रंजीत के होने वाले मुकाबले में लोग उसे ही याद रखेंगे जिसकी जीत होगी। जो पहली पदान पर होता है वही दिखाई देता है, दूसरे पदान वाले की कोई
अहमियत नहीं होती। इसे घबराओ ना पिताजी, पहली पायदान पर सिर्फ मेरा हक है, फिर वो रंजीत वो तो पहले से ही एक आंख से देख नहीं सकता, वो क्या मुझे युद्ध कला के मुकाबले में हराएगा? ए ना गाल